काउंटडाउन शुरू हो चुका है। रविवार को सुबह 8 बजे से मतों की गिनती शुरू हो जाएगी। ऐसे में मतगणना से पहले एक ओर जहां प्रत्याशियों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, तो वहीं उनके समर्थक भी हार और जीत को लेकर कश्मोकश में हैं। दौसा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शंकर शर्मा के विजय होने की कामना को लेकर आज उनके समर्थकों ने सामूहिक कनक दंडवत लगाई और इस दौरान भाजपा प्रत्याशी के समर्थक कनक दंडवत लगाते हुए दौसा के प्रसिद्ध शिवालय नीलकंठ महादेव मंदिर पर पहुंचे और बाबा नीलकंठ की ढोक लगाकर विजय दिलाने की कामना की। तीन तारीख को दौसा का विधानसभा का जो परिणाम आने वाला है, उसके लिए हम भाजपा प्रत्याशी आदरणीय श्री शंकरलाल शर्मा जी की जीत की कामना के लिए दौसा के राजा बाबा नीलकंठ महादेव के दंडवत कर रहे हैं और बाबा से अरदास करेंगे कि कल हमारे आदरणीय शंकरलाल जी शर्मा को विजयी बनाए। देखिए, कनक दंडवत देने का रीजन ये है कि पहले भी हमने जो दौसा के टिकट की जो लगाई थी गुरुवार, बाबा से शंकर शर्मा जी की लगाई थी और वो हमारी पूर्ण हुई और शंकर शर्मा जी दौसा से टिकट लेकर आए। अब भी हम दौसा के राजा बाबा नीलकंठ के यहाँ छोटे छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्ग सब जो कावड़ यात्रा वो दंडवत यात्रा जो कर रहे हैं वो इसी क्रम में कर रहे हैं कि बाबा ये मनोकामना भी पूर्ण कर ताकि दौसा में अमन चैन सुख शांति बहाल हो सके, शंकर शर्मा को बाबा भारी मतों से विजयी बनावे। और इस बीच में अनूपगढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें कि रावला मंडी में भीषण आग का तांडव देखने को मिला है। कॉटन फैक्ट्री में आग लग गई है, दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं। आग लगने के कारणों का पता फिलहाल नहीं चल पाया है, लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो रावला मंडी में आग का तांडव देखने को मिला है, अनूपगढ़ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। ये वही वो फैक्ट्री है, जो कॉटन फैक्ट्री, जिसमें भीषण आग लगी है। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं, आग को बुझाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल ये आग कैसे लगी है ये अभी कोई खबर नहीं पहुंच पाई है, नहीं मिल पाई है।